स्टूडेंट बी एम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदयमोड़ गंगापुर सिटी, हम देखेंगे क्लास फोर्थ का थर्ड चैप्टर वाक्य के क्वेश्चन आंसर्स। कल हमने चैप्टर पढ़ा था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है वाक्य की परिभाषा बताइए। तो इसका आंसर है वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह। यहाँ से लिखेंगे आप आंसर को, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण स्पष्ट अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। ओके, शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण स्पष्ट अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड क्वेश्चन है वाक्य के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारा थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय चाट कर बताइए। तो मैं बता रही हूँ मेरी माताजी खाना पका रही, इसमें मेरी माताजी उद्देश्य है, खाना पका रही विधेय है। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन के बताया है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ओके, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ये जो नीचे शब्द दिए गए इनसे आपको दो दो वाक्य बनाने हैं। ये दो दो वाक्य बना के आप हमें चेक करवाएंगे और आप इसको पूरा करेंगे। ओके, और ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।